नमस्कार, आप आईपा देख रहे हैं, यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा जाति और धर्म से उठकर मुद्दों की राजनीति की बात करता है। आईपा प्रगतिशील राजनीति की वकालत करता है। आज हमारे साथ बहेड़ी ब्लॉक के कुछ यहाँ पे प्रधान मौजूद हैं, बरेली जिले में हम मौजूद हैं, और आइए हम इनसे बात करते हैं। इनके क्या मुद्दे हैं, इनकी क्या परेशानियाँ हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या काम किया है, आप बताइए। ग्राम पंचायत टांडा मीननगर, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। मोदी योगी का प्रयास अच्छा है, मगर कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेके काफ़ी लोगों में विरोध है। जैसे कि सुनवाई जब प्रशासन के पास जाते हैं, प्रधानों की कोई सुनवाई नहीं होती। उनके अधिकार जो हैं वो अधिकार मिल जाने चाहिए। ग्राम पंचायत कैसे अधिकार चाहिए आपको? जैसे मान लीजिए राजस्व विभाग में हम जाते हैं, कहते हैं कि हमारा काम कर दीजिए, वहाँ पर SDM महोदय काम के लिए कहते हैं तो हो जाएगा, फिर मौके पर जाके कोई काम नहीं होता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और उसका विरोध होता है नीचे स्तर पे, गांव स्तर पे विरोध होता है इस चीज़। आपके गांव के कुछ लोकल मुद्दे बताइए। लोकल मुद्दे जैसे शमशान भूमि पर ही कब्जा है, तालाबों पे कब्जा है, रास्तों पे कब्जा है, खलिहानों पे कब्जा है, नदी पे कब्जा है, ग्राम समाज की जो संपत्ति उसका नुकसान हो रहा है, कहते हैं अधिकारी कोई सुनते नहीं है। तो यही समस्या है, और ये समस्या अगर हल नहीं कर सकते ग्राम पंचायत में प्रधान बनने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। आपने इसकी शिकायत की आगे? शिकायत हमने SDM महोदय से की, तहसीलदार महोदय से की, जिलाधिकारी महोदय से की, कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। आप बताइए। मैं ग्राम पंचायत बरगमा से हूँ। और आप अपने मुद्दों के बारे में बताइए, आपके गांव के क्या लोकल इश्यूज हैं? लोकल इशू अभी तो जो बना है पुल, उस पर अभी रोड भी नहीं पड़ पाई है, काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे, और यही लोग वो हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य का आपके ग्राम में क्या स्थिति? शिक्षा उक्षा बढ़िया चल रही है वो तो जी। आप बताइए। हाँ, ग्राम पंचायत तिलमाची का प्रधान हूँ। काम सही चल रहा है फिलहाल में, कोई ऐसी हमारे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्या आपके गांव में सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल सही से काम करते हैं? अस्पताल नहीं है, स्कूल है, सही है फिलहाल। आप बताइए। ग्राम प्रधान रोहनिया से, और कसाई समस्याएं बढ़िया हैं, बीजेपी बिलोंग करते हैं, लेकिन समस्या ये आती है राशन कार्ड वगैरह है, और पानी की दिक्कत आ रही, टंकी पानी की व्यवस्थाएँ हैं, और जो ज़मीनें हैं ग्राम समाज की उन पर कब्जा है, गंदगी फैली हुई है, ये समस्या इसका अवगत कराया गया है, तो कभी कोई टीम पहुँची नहीं वहाँ। आप कब से प्रधान हैं? मुझे हो गया 6 महीने करीब। अच्छा, आप इसी बार चुने गए हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आपको जनता ने 5 साल के लिए चुना है, तो आप क्या चाहते हैं 5 साल बाद? अपने गांव को आप कितना डेवलप देखते हैं, और किन किन क्षेत्रों में आप विकास चाहते हैं? हम आदर्श ग्राम पंचायत बनाना चाहते हैं रोहनिया को अपनी जी। आदर्श ग्राम पंचायत रोहनिया बनाते हैं। अच्छा, आप शिक्षा बेहतर हो और वहाँ सफाई सफाई बढ़िया हो और सारी व्यवस्थाएँ ओके हों, वही सही भैया। क्या आपके ग्राम में बिजली की स्थिति क्या है? बिजली की स्थिति वैसे सही है, और अब तारी बदलने वाली सरकार जो बीजेपी की टीम रही, प्रेस्ट लाइन पड़ने वाली, बिजली व्यवस्था सही है। आप बताइए। ग्राम पंचायत गिरधापुर। आप अपने गांव के कुछ लोकल मुद्दे बताइए जिन पर आप काम कर रहे हैं और आगे उसे और बड़े स्तर पे करना चाहते हैं। जैसे बड़ा गांव है, वहां पर नाला का काम चल रहा है, गांव में CC पड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ग्राम पंचायत का एक तालाब है 1.5 करोड़ की कीमत पर, उस तालाब पर कब्जा कर रखा है दमन लोगों ने। अब वो तालाब प्रशासन से, DM महोदय से भी मिले, SDM महोदय से भी मिले, अब वो तालाब जब खाली होगा तभी उसमें उसका नरेगा से खुदाई करके उसका सुंदरीकरण कराया जाएगा। जब ग्राम समाज की जगह पर, जब ग्राम प्रधान है और ग्राम प्रधान ग्राम समाज की ज़मीन का मालिक है, तो प्रशासन को जो भी कब्जे हैं ग्राम समाज की जगह पर, प्रशासन को वो कब्जे हटवाना चाहिए, वो जगह मुक्त कराना चाहिए, जिससे वहाँ पर हम खेल घर है, कोई भी हमारे गांव में योजना आ रही है वहाँ हम बना सकें, जिससे हमारे गांव में तरक्की हो। आपको क्या लगता है प्रशासन इन्हें खाली क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि प्रशासन तो खाली करा सकता है। अब नहीं कर रहा है, ये तो प्रशासन जाने क्यों नहीं कर रहा है भाई? हमारा तो गांव में प्रधान बना दिया जनता ने, और प्रधान बनाने के बाद, क्योंकि देश की राजनीति ग्राम से शुरू होती है, ग्राम पंचायत से, अब प्रधान बना दिया, अब प्रधान SDM महोदय साहब के पास पहुँचे और अधिकारियों के पास पहुँचे, तो उसको प्रधान की हैसियत के हिसाब से जनप्रतिनिधि या गांव का उसकी बात सुनना चाहिए। अगर वो सही काम लेके आया, उस वो काम होना चाहिए, यही हम चाह रहे हैं। आप सबसे युवा प्रधान हैं, आप हमें बताइए, आप नई एनर्जी के साथ, नए विजन के साथ आप अपने गांव में क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं? ग्राम पंचायत भकावा, मेरा नाम गंभीर सिंह राणा है। जैसे कि अभी पूर्व में प्रधान जी ने बताया था, यही सारे मुद्दे हैं। गवर्नमेंट तो कुल मिला के ठीक कर रही है, पर जो एम्प्लॉई है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, SDM महोदय हो गए, बाकी ये सारे
तहसीलदार साहब हो गए, इन लोगों का रवैया काम करने का बढ़िया नहीं है। क्या क्या परेशानियाँ? परेशानियाँ क्या है, इनको हम एक एक बार में चार चार बार पांच पांच बार एप्लीकेशन दे चुके हैं कि ये कब्जे मुक्त कराइए, गैर कानून तरीके से जो लोगों ने कब्जे कर रखे हैं इनको मुक्त कराइए। पर ये लोग एप्लीकेशन रख लेते हैं, ठीक है हमने फलाधिकारी को आपकी एप्लीकेशन भेज दी है, फला को भेज दी है, वो जाँच करने जाएगा, कोई अभी तक किसी प्रकार की जाँच करने नहीं गया। दूसरा हमारे यहाँ थोड़ा कोटे का मुद्दा है। हमारे यहाँ क्या सभी लगभग ज़्यादातर ग्राम पंचायतों में सबसे बड़ी समस्या यही है कि कोटेदार जो है प्रधान को प्रधान मानने को तैयार नहीं होते हैं, उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है। 5 किलो प्रति यूनिट वैसे बांटना चाहिए उन्हें, पर नहीं, उनकी मनमानी चलती है, वो 4 किलो यूनिट बांटते हैं। उनका ये रहता है कि हम जैसा कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, हमारा पैसा जाता है ऊपर तक। क्या आपने इसकी शिकायत आगे की? मैंने इसकी शिकायत DM साहब से भी की, SDM साहब से भी की, तहसीलदार साहब से भी की। क्या रिस्पॉन्स रहा? कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, फाइल वहीं की वहीं रख दी गई, उसके बाद कोई कार्रवाई की नहीं गई उस पर किसी तरीके की। तो आपने देखा यहाँ पे हम बहेड़ी ब्लॉक में आए थे, यहाँ पे कई सारे प्रधान हमसे जुड़े, इनसे हम कई सारे मुद्दों पे बात किए। कई लोगों का ये मानना है कि अवैध कब्जा जो दबंग किस्म के लोग होते हैं उस लोकल क्षेत्र के, उन्होंने कर रखा है। और कई प्रधानों को जो सिस्टम चली आ रही है प्रणाली, जिससे कि आपको बजट पेश कराना हो या फिर इनके काम में हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है, इन्हें थोड़ी ऑटोनॉमी ज़्यादा चाहिए, इन्हें थोड़ा ज़्यादा अधिकार क्षेत्र इनका बड़ा होना चाहिए, ये इनका मानना है। आप आईपा देख रहे थे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।